CS Ranked गेम के अंदर पाए जाने वाला एक ऐसा मोड जिसे खेलने के लिए आपको चार जिंदा दोस्त चाहिए और वो चारों दोस्त ऐसे होने चाहिए जो आपकी बात माने। चलो छोड़ो, बात नहीं भी मानते लेकिन ऐसे होने चाहिए जो कम से कम थोड़ा बहुत खेल ले। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अगर आपके पास टीममेट्स नहीं है, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखो, आपको बताऊंगा कि कैसे आप रैंडम प्लेयर्स के साथ भी गेम को बोया कर सकते हो बहुत ही आसानी से। और इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिल्कुल ध्यान से देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं आपके तीन जिंदा टीममेट्स आपको दिला के रहूंगा जो आपके साथ हमेशा खेलेंगे, आपकी बात मानेंगे और आप लोग चारों मिलके अच्छे अच्छे स्क्वाड्स को खत्म कर दोगे क्योंकि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाले हो। टिप नंबर 1, कॉन्फिडेंस। अब देखो कॉन्फिडेंस तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉन्फिडेंस जो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, बहुत अच्छी बात है, बहुत बेस्ट चीज है गेम के अंदर, इस पे हम आगे बात करेंगे। लेकिन कॉन्फिडेंस के दो और रूप होते हैं जो कि बहुत बुरे होते हैं, जो कि आपके अंदर के बेस्ट गेम प्ले को निकालने में रुकावट बनते हैं, बाधा बनते हैं, तो उनको दूर करना होगा। सबसे पहले आता है ओवर कॉन्फिडेंस। आप इस क्लिप में देखो मेरे अंदर आया कि मैं अकेला जाऊंगा, सामने चारों को मारूंगा और अपने टीममेट्स के सामने हीरो बन जाऊंगा, 1v4 कर दिया, क्वाड्रा मार दिया, चार बंदे तो नहीं मार पाया लेकिन सामने वालों को लो लिमिट दिखाने का मौका जरूर दे दिया। तो आप ये गलती बिल्कुल कभी भी मत करना। मैं आपको ऐसे अनगिनत क्लिप्स दिखा सकता हूं जिनमें मैं अकेला गया हूं सामने वालों को मारने के लिए और उन लोगों ने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा। नहीं, ऐसा नहीं है कि 1v4 करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी, प्रॉपर वे फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही मार सकते हो। ऐसे अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में जाओगे चार लोगों को मारने के लिए तो क्या होगा, वो आपके स्क्रीन के सामने। एक और प्रॉब्लम आता है लो कॉन्फिडेंस, जिसमें आप अपने अंदर के पूरे गेम प्ले को दिखा नहीं पाते हो, आप थोड़ा डर डर के खेलते हो। ये कुछ रीजन से होता है, जैसे कि सामने प्लेयर्स बहुत अच्छे आ गए, ग्रैंड मास्टर 50 स्ट्रीक, ऐसे प्लेयर्स दिख रहे होंगे आपको, या फिर ऐसा हुआ होगा कि दो राउंड उन लोगों ने बहुत बुरा मारा आपको, तो आपके अंदर का एक कॉन्फिडेंस जो होता है वो मर चुका होता है। इस केस में आप अपना फुल गेम प्ले नहीं दे पाते हो, तो इसमें तो आपको अपने माइंड सेट को बदलना पड़ेगा कि हाँ, उन लोगों ने दो राउंड चाहे हरा ही क्यों ना दिया, उसके बाद भी आप जीत सकते हो, लेकिन प्रॉपर वे फॉलो करके। अब बात करते हैं कैसे, लेकिन उससे पहले बता दूं लो कॉन्फिडेंस का एक और भी कारण होता है कि सामने वाला एनिमी जो है वो M1014 मैक्स लेके अपने अंदर घुस जाता है, मतलब एकदम शॉर्ट रेंज में घुस जाता है, और अगर वो AK भी चलाता है तो ड्रैको AK चलाता है, बंडल्स भी बहुत खतरनाक पहन के आ जाता है जिसे देख के हमारी फट जाती है, तो उससे भी घबराना नहीं है क्योंकि मैं भी आपको बताऊंगा कि आप भी कैसे अपने साथ M10 मैक्स लेके जा सकते हो, AK मैक्स लेके जा सकते हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बहुत सारे डायमंड्स अपने अकाउंट में फ्री में ले सकते हो, अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा, मैंने खुद ने लिया इसलिए मैंने सोचा कि अपने सब्सक्राइबर्स को भी मिल जाए। यार फ्री में मिल रहा है तो अब फिर लेट क्यों करना, सारे जाके लूट लो। वीडियो के टाइटल पे आपको क्लिक करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पे क्लिक करना है सबसे पहले, एंड क्लिक करते MS धोनी वाले चचा आ जाएंगे और वो हमें बताएंगे कि 550 रुपए बोनस मिलेगा इस ऐप को डाउनलोड करते ही। जल्दी से इसको डाउनलोड कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, आपका नंबर मांगेगा, नंबर डाल के जल्दी से रजिस्टर्ड हो जाना, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा बोनस। बोनस वाले पैसे से मैं देखो क्या करता हूँ, मुझे 650 रुपए है यहाँ पे मेरे पास, इससे मैंने एक लूडो का गेम खेला 100 रुपीज वाला, जीतने के बाद मुझे मिले 180 रुपए, फिर से मैंने खेला 500 रुपए वाला और जीतने के बाद 900, टोटल हो गए 1100। फिर मैंने जल्दी से इसको अपने फोन पे में विड्रॉ कर लिया, 5% टैक्स काट के मुझे 963 रुपए मिले। अगर आपको चाहिए डायमंड तो जल्दी से डाउनलोड करो, एंड फोन पे नहीं है तो डायरेक्ट फ्री फायर में रिडीम कोड भी ले सकते हो, डायरेक्ट टॉपअप। यार 100 से भी ज्यादा गेम्स है इसके अंदर, एंड टूर्नामेंट्स भी है फ्री फायर के, तो भाई किस बात की देरी है, क्या सोच रहे हो, जल्दी से पहले इसको डाउनलोड करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब बात करते हैं कैसे आप 1v4 में इजीली किसी भी स्क्वाड को क्लच कर लोगे। ये सिर्फ एक ही चीज से पॉसिबल है जो कि है गेम प्ले। अब आपको सामने चार प्लेयर्स को मारना है, आपके जो टीममेट्स है वो रैंडम प्लेयर्स है, वो उतना अच्छा नहीं खेल रहे, वो कहीं भी चले जा रहे, कोई इधर जा रहे, कोई उधर जा रहे, कोई लॉन्ग रेंज, कोई शॉर्ट रेंज, उनसे हमें कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन आप एक बात को समझो, जैसे क्रिकेट में हमें बैटिंग करने में मजा आता है बट फिर भी हमें फील्डिंग करना पड़ता है उस बैटिंग को प्राप्त करने के लिए। अगर हम फील्डिंग नहीं करेंगे तो वहां के जितने प्लेयर्स है वो हमें गाली देके निकालेंगे, बोले सिर्फ बैटिंग करने आता, पहले फुर्सत में निकल। इसी प्रकार जो आपके तीन टीममेट्स है, जो रैंडम प्लेयर्स है या आपके दोस्त है, कोई बात नहीं मान रहा, जो भी है उनको जाने दो। जब उनका फाइट होगा सामने वाले एनिमी से, जब सामने वाले एनिमी खड़े होकर उनको डैमेज देंगे, तब आपको उसका फायदा उठाना है, बस कुछ नहीं करना, साइड से मजे लेने, आपके टीममेट्स मरे जिए उससे फर्क नहीं पड़ता, बट सामने वाला एनिमी जो उसको फायर कर रहा है उसे तो आप इजीली मार ही सकते हो ना, क्योंकि उसका ध्यान तो आपके दूसरे टीममेट पे, आप पे थोड़ी है। अगर आप सोच रहे हो कि चार प्लेयर सामने और आप सीधे जाके चारों को हेड हेड हेड
हेड मार दोगे भाई ये असंभव है, लिटरली कह रहा हूँ असंभव है। अगर आपको यूट्यूब में कोई वीडियो दिख भी गया हो तो 110% वो स्क्रिप्टेड है, क्योंकि जिस तरह क्रिकेट में एक बैट्समैन चार बॉल को एक साथ छह नहीं मार सकता, उसी प्रकार फ्री फायर में कोई भी प्लेयर एक साथ चार अगर सामने से आ जाए नहीं मार सकता। तो इस पंक्ति में कवि यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक एक करके प्लेयर्स को मारोगे, आप उनको इतना स्मूथली मार लोगे आपको पता नहीं चलेगा कि चार बंदे खत्म हो गए, ऊपर एस बोल के आ गया। अब देखो जितनी भी चीजें आपने मेरे मुंह से सुनी, आपने कुछ अपने अंदर ग्रहण करी सीखी, अब उन चीजों को अप्लाई करने का टाइम आया। आपको मैं एक क्लिप दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसा कि राउंड स्टार्ट हुआ मैं सामने की ओर आया, एक बंदा यहाँ पे किसी का वेट कर रहा है, मीन हमारे ही वेट कर रहा है, तो इसको मैंने मारा। अब ये दौड़ दौड़ के भाग रहा है, मुझे नहीं पता ये क्यों भाग रहा है, आई डोंट नो, बट ये भागा भागा और मैंने इसको भगा भगा के मारा। इसका दूसरा टीममेट मेरे को कहीं से डैमेज दे रहा था, चलो उसको मार के आते हैं। अब हम जाएंगे एक एक करके मार, देखो वो बंदा मेरे दूसरे टीममेट को मार रहा है, तो वो उसे मार रहा है और मैं उसको मारने के लिए आ गया। अब देखो वो मेरे पे टारगेट जैसी कर रहा है, मैं कवर लेके अपने स्ट्रेटेजी से खेल रहा हूँ जैसे कि वो मुझे डैमेज ना दे पाए और मैं उसे मार पाऊँ। तो अगर सामने वाला कभी भी डैमेज दे तो आप कवर में आ जाना जल्दी से। अब इसे हम अपने कैरेक्टर को यूज करके मारेंगे एंड अब एक ही बंदा बचा है, मतलब तीन को हमने एक एक करके खत्म कर दिया, अब एक लास्ट वाला बचा है, तो वन वर्सेस वन तो इजीली हम मार ही देंगे कवर लेके। बस इसी प्रकार जैसे कि आप देख सकते हो वन वर्सेस फोर इजीली, देखो उसने क्रोनो ऑन कर दिया और इधर आके जैसे मुझे मारा, मेरे को बस डैमेज नहीं पड़ना चाहिए, किसी भी प्रकार मुझे डैमेज नहीं पड़ना चाहिए, चाहे मैं एक प्लेयर से क्यों ना फाइट करूं, अगर उसने मुझे गलती से भी एक हेडशॉट मार दिया तो मैं तो खत्म हूं ना। आपको किसी भी प्रकार सामने वाले की गोली से बचना है, या तो आप कवर ले लो, या तो आप अपने कैरेक्टर का यूज करके भाग जाओ, या तो आप ग्लू वॉल लगा दो और एक एक करके आप इसी प्रकार से किसी भी एनिमी को, किसी भी स्क्वाड को इजिली खत्म कर सकते हो, बट एक साथ नहीं एक एक करके, समझ रहे हो। तो इसी प्रकार आप अपने गेम प्ले में बेस्ट हो सकते हो, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लो नहीं होगा और आपको पता होगा कि मुझे एक एक करके प्लेयर्स को मारना है, पूरे स्क्वाड के बीच में नहीं घुसना है, आपको अपनी लिमिट्स पता होगी कि कब मुझे क्या करना है, स्ट्रेटेजी पता होगी, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होगे। टिप नंबर टू में जाने से पहले आपका स्क्वाड भी तो बनाना है। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, अपना यूआईडी गेम से लेके आना है और वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना यूआईडी कमेंट कर देना है, अपना लेवल भी लिख देना, जिससे कि आपके लेवल का जो भी प्लेयर होगा वो आपको रिक्वेस्ट भेजेगा। अगर आप भी किसी को देख रहे हो कोई अच्छा लेवल पे तो आप भी उसको रिक्वेस्ट भेज सकते हो, ऐसे करके आप लोग दोस्त बन सकते हो, कमेंट सेक्शन से फायर आइस गेमिंग के सब्सक्राइबर्स साथ में खेल के एक अच्छा स्क्वाड बना सकते हैं यार, क्योंकि दोनों टिप्स एंड ट्रिक देखते बहुत मजा आएगा। और मुझे पता है इस वीडियो पे 10-15 हज़ार कमेंट्स आने वाले, तो आप लोग कमेंट सेक्शन से बहुत सारे दोस्त बना सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी अपने फॉलोअर्स मिलके एक साथ खेल सकते हैं, तो इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। बढ़ते हमारे टिप नंबर टू की और, देखो इसके अंदर मैं एक दो ऐसे टिप्स देना चाहता हूँ, ट्रिक बताना चाहता हूँ, जिनको फॉलो करके आप बढ़िया से गेम प्ले कर सकते हो, अपने स्क्वाड के साथ आप खेल ही रहे हो तो थोड़ा अच्छा भी तो खेल लो यार। ना मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप बुरा खेल लो, बट जो खेल लो उससे भी अच्छा खेल लो। क्या बोलता है, कुछ भी बोलता है। देखो इस वाले क्लिप में मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको फायर किया, नहीं लगा, मैं मारते मारते मेरा गन जैसे रिकॉइल हुआ मैंने जूम किया, स्कोप ऑन किया, जिससे कि क्या हुआ मेरा जो रिकॉइल है वो कंट्रोल में आ गया, क्योंकि स्कोप जो होता है अपना फ्री फायर के अंदर डिफॉल्ट एम काम करता है, जिससे कि क्या होता है अगर आप मारते मारते स्कोप को ऑन करते हो तो आपका गोली आपका गन जहां भी हो कहीं भी फायर कर रहा हो वो एनिमी पे ही चला जाता है, आसपास अगर एनिमी हो तो आपका स्कोप एनिमी पे ही चला जाता है। तो अगर आपका गन रिकॉइल कर रहा है फायर कर रहे हो तो इधर उधर जा रहा है एनिमी पे नहीं लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो मारते मारते अचानक से स्कोप ऑन कर देना, जिससे कि आपका जो डिफॉल्ट एम है वो डायरेक्ट जाके एनिमी पे ही लगे। इसी तरह एक और ट्रिक है, जैसे कि अगर आपके टीम में कोई स्नाइपर चलाता है या फिर आप ही अगर स्नाइपर चलाते हो तो आपको क्या करना है, किसी भी खुले जगह पे जहां पे सारे एनिमीज दिखाई दे वैसे जगह पे जाके आपको स्मोक ग्रेनेड फेंक देना है। स्मोक ग्रेनेड से क्या होता है, वो कुछ एरिया में स्मोक पैदा कर देता है, पैदा नहीं करता मतलब स्मोक ला देता है, धुआं जिसको बोलते हैं हम, और आप उसके अंदर अगर चले जाओगे तो आपको कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन यहाँ से आप भी किसी को नहीं देख पाओगे। लेकिन अगर आप स्नाइपर लेके जूम करते हो या फिर ड्रैगन ऑफ कुछ भी लेके जूम करते हो, स्नाइपर बेस्ट है क्योंकि डिफॉल्ट एम इसके अंदर से काम नहीं करता, आप ड्रैगन ऑफ से भी मारोगे ना तो एनिमी पे बैठा के मारना पड़ेगा, बट अगर आप स्नाइपर से मार रहे हो क्योंकि स्नाइपर तो ऐसे ही डिफॉल्ट काम नहीं करता, उसको आपको एनिमी पे ले जाके ही मारना पड़ता है, तो आप इसके अंदर जाके आपको कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन आप स्नाइपर का जैसे स्कोप ऑन करोगे आप सबको देख पाओगे, इजिली किसी भी एनिमी को इसके अंदर से मार सकते हो। खुले में एनिमी है वो भाग रहा है, आप इसके अंदर से देते जाओ, उसे पता भी नहीं चलेगा कि एनिमी मार कहां से रहा है, मतलब उसका एनिमी आप उसके एनिमी ही हुए ना। बात तो सही है। तो बस इसी तरह से आप भी बहुत ही खतरनाक चीजों का प्रयोग कर सकते हो। फायर आइस गेमिंग को सब्सक्राइब करो यार, ऐसे खतरनाक ट्रिक्स कहां मिलेंगे आपको। बढ़ते हमारे टिप नंबर थ्री की ओर, जिसके अंदर हम स्नाइपर से लॉन्ग रेंज से कवर देने वाले हैं। कुछ नहीं करना, आपको एक हाई डैमेज वाला गन उठाना है, चाहे वो स्नाइपर हो मतलब लॉन्ग रेंज का कोई
बढ़िया सा गन उठा के आपको चले जाना है कहीं दूर, ऐसे जगह पे जहाँ पे आप सबको देख पाओ। जैसे मैं यहाँ पे आ गया छत के ऊपर, अब यहाँ से मेरे को पूरा मैप दिख रहा है। कहीं भी फाइट हुआ मेरे टीममेट को, किसी ने भी अगर डैमेज देने का सोचा, मैं ऊपर से उसको 150 दे दूंगा, जिससे कि मेरा टीममेट उसको इजीली मार पाएगा। इससे हाँ ऐसा हो सकता है कि आपको किल्स कम मिले, बट इससे जो कवर मिलता है ना, आपका टीम कभी हार नहीं सकता। क्योंकि एक प्लेयर अगर ऐसे ऊपर चला जाए, एक या फिर दो प्लेयर, बहुत ही खतरनाक तरीके से आप सामने वाले स्क्वाड को खत्म कर सकते हो यार। आप खुद देखो, पूरे क्लिप को अच्छे से देखो, मैं यहाँ से डैमेज दे ही रहा हूँ आराम से। मैं बैठा हुआ हूँ, जैसे ही कोई बंदा विजिबल हुआ, मैंने उसको डैमेज देने का सोचा, मतलब सोचा नहीं, डैमेज दे रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं। ओके, देखो यहाँ पे बंदा दिखा, मैंने इसको दिया 162। फिर से इधर बंदा आया, मैंने फिर से उसको डैमेज नहीं दे पाया, वो बात अलग है, बट फिर भी मैं उसका ग्लूअल तोड़ रहा हूँ, मेरे टीममेट्स को हेल्प मिलेगा। देखो यहाँ पे एक बंदे को मैंने डाउन किया, अब हम चलते हैं नीचे। इसी तरह से अगर आप लॉन्ग रेंज से कवर दे दो तो आपकी टीम को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, जिससे आप किसी भी सीएस रैंकेड को विन कर सकते हो बहुत इजीली। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। 3 टिप्स के अंदर मैंने बहुत कुछ आई होप आप लोगों को समझाया, सिखाया, सिखाने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प मिला होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को एक लाइक कर दो यार, बस और कुछ थोड़ी करना है। और चैनल पे नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो। कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें देखनी है तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, मजा आएगा वहां पे। और अगर अभी तक विंजो ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज कर लो, क्योंकि इससे आपका ही फायदा है, जो आपको बोनस मिलता है आपको उसी से खेलना है, और उससे आप बहुत ज्यादा डायमंड्स इजीली विन कर सकते हो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।